नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे ट्रैक्टर देखे होंगे लेकिन मैंने पहली बार देखा है ये। यह है विराज शक्ति, नाम भी पहली बार सुना है और ट्रैक्टर भी पहली बार देखा है, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी दिखा दूँ आपको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो अभी हमारे साथ आ गए हैं सचिन भाई। हेलो, ये हमारे फैक्ट्री के चीफ टेक्नीशियन हैं, मीन्स इंजीनियर हैं, यही सबको डिज़ाइन करते हैं और ये ब्लेड जो है इसमें जो डोजर कहते हैं इन्होंने ही इसमें लगाया है। तो सचिन भाई हमें बताएंगे कि इसमें जो पार्ट्स हैं ये कौन कौन से यूज़ किए। मैंने तो पहली बार ये ट्रैक्टर देखा है। पिछला हिस्सा जो दिया गया है वो स्वराज का दिया गया, हाइड्रोलिक सिस्टम, मडगार्ड, वो देखने में ही लग रहा है ये सब स्वराज का है। यहाँ से बीच से गेयरबॉक्स से पूरा स्वराज का है इसमें, ठीक है। इधर इसमें कुछ स्वराज का है, कुछ HMT का है, कुछ किर्लोस्कर, तीनों ट्रैक्टर मिक्स है इसमें। HMT का भी सामान, अगली होजिन जो इसमें दी गई है ये सोनालिका की दी गई है इसमें। ये सोनालिका स्टार्ट में ऐसी दी है। इसमें एक्सल स्वराज का दिया गया है जो ग्लोबल एक्सल मॉडल में है। हाँ, जो हाइड्रोलिक पूरा ग्लोबल दिया गया है, पूरा बिल्कुल हाइड्रोलिक सिस्टम स्टेयरिंग स्वराज में दिया गया है इसमें। बाकी इसके टायर हैं अगले पिछले दोनों स्वराज के हैं। मॉडल इसका सोनालिका जो 45 आता था एक टाइम ब्लू कलर में, हाँ, वो मॉडल में दिया गया है इसको। ऐसा सोनालिका साइड भी आया था, सोनालिका साइड आया था, मगर इसमें फर्स्ट टाइम जो सोनालिका ब्लू और रेड आया था उस मॉडल में पूरा सेम किया गया है इसको। तो ये ट्रैक्टर फर्स्ट टाइम आया है। अब इसमें डोजर फिटिंग बहुत बेहतर दी गई है, बाकी चलने के ऊपर डिपेंड करता है क्या कहते हैं। साउंड वगैरह कैसा है इसका? साउंड वगैरह बेहतर है, सेम स्वराज है इसका साउंड। अच्छा। पूरा गियरबॉक्स हाइड्रोलिक इंजन सब। अच्छा, पूरा इंजन को आपने जब खोल के देखा होगा तो ये मतलब किस तरह का लग रहा है इंजन? इसमें एक कंपनी के पूरे पार्ट्स नहीं है इस वजह से सभी अलग अलग है, मिक्स है ये। अगर एक कंपनी का होता है तो अपन कोई भी चीज बता सकते हैं, इसमें सारी चीजें अलग अलग दी गई हैं इसमें। अरे ऐसे कुछ भी यहाँ बीच में देखें तो इसको उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ये पार्टी वगैरह लगाकर जो कि जो कोवोटा में डिजाइन करते हैं आज की डेट में, उन्होंने वो डिजाइन डाली है बीच में। अगला सोनालिका कर दिया, इधर पूरा हाइड्रोलिक अपना किर्लोस्कर स्वराज HMT सभी मिक्स कर दिया गया है। सेल्फ इसमें कार डिजाइन में लगाया गया है, जो सेल्फ दिया गया है छोटा, तो उस हिसाब से इसको सभी ट्रैक्टर मिक्स करके बनाया गया है सभी से, यानी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये है इसका। तो फाइनली रिजल्ट क्या है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए लोगों को? फाइनली रिजल्ट तो ये अब चलेगा तब बताएगा ये। अभी ये आया है, अभी मार्केट में ये सेल स्टार्टिंग है, अभी ये चला नहीं है। ये ट्रैक्टर अपने पास कहाँ से आया है? ये अपने पास बिना डीलरशिप से आया है, डोजर लगने के लिए ओनली, किसी कस्टमर ने लिया है, डेमो पर चलेगा ये। अच्छा जी। और इसमें मैं आप एक चीज बता दूं, जब तक ये फील्ड में नहीं चलेगा, डेमो नहीं देगा, हाँ, जब तक आप और हम इसका कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या करेगा और क्या कहेगा। हाँ। तो सारी जानकारी हमें मिल चुकी है इसके बारे में। अगर आपको इसका डेमो देखना है तो बिना आना पड़ेगा, भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है बिना, है ना, तो वहाँ पे इसकी डीलरशिप है। और आपके शहर के आसपास कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता है, आप पता कर लें, गूगल कर लें, मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की शानदार वीडियो देखने के लिए। जरा